अपनी बात कह रहा हूँ, इधर सामने देखिए सामने, कि मैं JK Chain 57 का मैंने यूट्यूब देखा, और यूट्यूब देखने के बाद इन्हें हमें आगरा का नंबर मिला, अरविंद भाई जी से मेरा संपर्क हुआ, मैं उनके मार्फत 3-4 मशीन मंगाया हूँ, इसमें 2 चेन मशीन, 1 वेल्डिंग मशीन, 1 हाइड्रोमिक्स की मशीन हम मंगाने वाले हैं। इससे हमको फ़ायदा ये हुआ कि जो काम हम सप्ताह दिन में भी नहीं कर पाते थे, वो काम मेरा 1-2 घंटे में ही हो जाता है। इससे फ़ायदा ये है कि बाहर की बनी हुई पायल में टंच कम आता है, लेकिन अपने से अगर बनाएंगे तो ऊंचा क्वालिटी का माल हम बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमने मशीन मंगाया। आज मैं आप लोग को इस मशीन में जो तार पड़ता है वो गेज के हिसाब से पड़ता है, उसको नापने का तरीका मैं आपको माइक्रोमीटर से दिखाता हूँ। ये हमारा माइक्रोमीटर है, इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में स्क्रू गेज भी बोलते हैं। ये स्क्रू गेज जो होता है, इससे नापना बिल्कुल आसान होता है। देखिए, ये हमारा स्क्रू गेज है, ये हमारा स्क्रू गेज है, यहाँ पर ये जो रॉड है, इधर बाहर आइए, ये रॉड आगे पीछे जीरो दिखाइए ऐसे, जब इसको हम घुमाते हैं तो A0 दोनों बिल्कुल टच हो गया है, और जब टच हो गया इसका मतलब A मुंह बिल्कुल सटा हुआ है। अब मान लीजिए हम इस तार की मोटाई को नापना है कि ये कितना मोटा है या कितने नंबर का तार है, तो ये नापना बिल्कुल आसान है। मैं अपने सभी कारीगर भाइयों जेवर व्यवसायी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये 0-0 होने के बाद यदि इसको वापस हम पीछे खींचेंगे तो ये रॉड जो है वो पीछे होता जाएगा, और इसमें धीरे धीरे गैपिंग बढ़ता जाएगा, यानी खांचा बढ़ता जाएगा, और जब इसको हम इतना घुमा देंगे, इतना पीछे धीरे धीरे करेंगे कि ये तार इसमें आ जाएगा। अब मैं इसकी मोटाई बताता हूँ। देखिए, अब देखिए इसका रीडिंग ले लीजिए, इसमें पास हो गया है, ये तार आपका मेरा 50 और 30 80 नंबर का है। वो बताइए ना एक बार, 50 कैसे 80 कैसे, उनकी समझ नहीं आएगा, दोबारा से पूरा बताइए, 0 से कैसे स्टार्ट करते हैं, 5-5 हाँ बताइए। ठीक है, अब मैं पुनः बताता हूँ। ये हमारा स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज में ये हमने 0-0 को मिला दिया, ये हम 0-0 को मिला दिए। अब एक रम जरा सा और घुमाएंगे तो ये हो गया 5 नंबर, थोड़ा और घुमाएंगे तो हो गया 10 नंबर, इसी प्रकार से 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, फिर आ गया 0, इसका मतलब 50 हो गया, यानी एक राउंड में ये 50 नंबर तक की आता है, जो लगभग 25 गेज के बराबर होता है। 50 नंबर यदि इसमें आ गया तो तार 25 गेज का होगा। गेज ज्यों ज्यों बढ़ता है तार पतली होती जाती है, ये हमारा नियम है, स्क्रू गेज का नियम है, और जब गेज घटता है तो तार मोटा होता है। ये 50 से ये अब आ गया 55, ये आ गया 60, ये आ गया 65, और इसी प्रकार से जब दोबारा 0 आ जाएगा तब हो जाएगा 100। एक बार और अगर घुमा देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 150। यही स्क्रू गेज का नियम है, तार नापने का तरीका यही है। कर दिया। जैन दोस्तों नमस्कार, और मित्रों हमारे भाई साहब हैं, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे जो इन्होंने बताया है। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ, पहले तो इनका परिचय दे दूँ। ये मास्टर जी हैं, सरकारी अध्यापक हैं, और ये है झारखंड के कोडरमा या गिरिडीह के अंदर आता है गांवा, ये ना तो गांव कहेंगे ना शहर कहेंगे, दोनों के बीच का मिला जुला हुआ टाउनशिप है, एक छोटा सा गांवा के अंदर है इनका अपना शॉप भी है, और मास्टर जी में इन्होंने मेरे से लिया है थोड़ा सा सामान है, 2 चैन की मशीन है, 1 सोल्डिंग मशीन, 1 हाइड्रोमैक्स है, और हमने भी एक ले लिया छोटा सा, ये देखिए आ रहा है क्लियर। तो इनका ये जो सोना बेचते हैं, चांदी बेचते हैं, प्योरिटी का प्योर 100 का बेचते हैं, मतलब 9.5, 9.1, 9.6 हॉलमार्क है, तो मैंने ले लिया कि चलो इतना अच्छा हमारे यहाँ तो मिलता नहीं। तो आज जो इन्होंने बताया है, तो आपको कितना समय लगा इसको सीखने में, ये गेज नापना सीखने में कितना समय लगा? 2-3 मिनट 2-3 मिनट
चलिए आपकी समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ, लेकिन नहीं आया तो दोबारा से एक बार शुरू कर देते हैं। देखिए ये हमारा तार है, ये हमारा माइक्रोमीटर है, इसको कैलिपर्स बनिया कैलिपर्स भी बोलते हैं, माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, आम भाषा में हम लोग इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जीरो से लेके पाँच की डिजिट में नंबर होते हैं, जैसे जीरो, पाँच, दस, पंद्रह, बीस, ठीक है। और ये मिलीमीटर का सोवा भाग होता है, एक पाँच डिवीजन में मिलीमीटर के पाँच भाग होते हैं, ठीक है। तो इसको जब जीरो से शुरू करेंगे तो ये पाँच, दस, पंद्रह, बीस, ऐसे बढ़ते बढ़ते पैंतालीस तक जाएगा। पैंतालीस के बाद फिर इसको घुमाएंगे तो ये फिर जीरो पर आ जाता है। जीरो का मतलब है इसमें पैंतालीस में आप पाँच ऐड कर दीजिए, यानी पचास हो गया। इसके बाद फिर ये पाँच आ गया, तो पाँच ऐड करिए पचास में, पचपन, फिर साठ, साठ आ गया, पैंसठ, यानी पाँच पाँच ऐड करके हम चलते चलेंगे। जैसे ये मेरे पास तार है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि इट्स की थिकनेस क्या है, तो अभी नाप के देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं जीरो, थोड़ा क्लियर आना चाहिए, हैं, जीरो कर लिया। अब हम इसको खोलते जाएंगे, पाँच डिवीजन दस, ऐसे करके ये पैंतालीस, अभी पाँच और करेंगे पचास हो गया ये, थोड़ा बंद करना यार फोन, ये पचास हो गया। अच्छा अभी भी तार मोटा है, पचपन हो गया, साठ हो गया, पैंसठ, सत्तर, पचहत्तर, और अभी नहीं आ रहा है ये माइक्रोमीटर में, ये दोबारा जीरो आ गया, यानी ये एक एमएम हो गया, सौ, सौ डिवीजन बोलेंगे, और ऐसे एक एमएम, फिर ये 105, 110, ऐसे ऐसे करते, अब ये 110 पे आके रुक रहा है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका तार ये 110 और 105 के थोड़ा सा बीच में है, यानी 108, 107 का है। तो ये जो तार है वो 108, 107 डिवीजन का है, इसको एमएम में बोलेंगे, 1 mm.07 या 08 डिवीजन, ये इसका साइज है। तो आशा करता हूँ नापना कोई मुश्किल नहीं है, एक मिनट के अंदर सीख गया भाई साहब। तो अगर भाई लोगों आपको इनके शहर की, इनके गांव की, गांवा की लाइफ देखनी है, और यहाँ मुझे बहुत आनंद आया, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, और जब से मैं आया हूँ तो बारिश ही नहीं बंद हो रही। तो यहाँ की जो आम इतने खाए मैंने, आम और जामुन के पेड़ घर घर पे मिलेंगे, वो सब चीज़ें आपको यहाँ की रियल लाइफ देखनी है, तो मेरा एक और चैनल है आगरा 80, आगरा 80, आगरा 80, ये आप सर्च करिए यूट्यूब पे, और आपको वहाँ ब्लॉगिंग के मिलेंगे सारे वीडियोज, और एक बार उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भाई हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा चैनल JKChan57 सब्सक्राइब कर लें, और घंटी वाला बटन दबा दें, और किसी भी भाई को ये वायर नापने का यंत्र बर्नियर कैलिपर्स हर शहर में मिलता है, किसी के पास नहीं हो हमसे ले सकता है, ठीक है। और इसके लिए आपको नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, कॉल कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, और दोबारा से सब्सक्राइब जरूर कर लेना।